हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज है संडे और अभी मैं आया हूँ लंच करने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, सो मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। और जब मैं शानी रेस्टोरेंट है वहाँ पर आया हूँ लंच करने के लिए, क्योंकि लंच करना तो बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैं ऑफिस में करता हूँ और संडे वाले दिन मेरी थोड़ी रूटीन चेंज होती है। अभी मैं नाश्ता भी जो मैंने वो लेट की है, तो अभी 3 बज रहे हैं। वैसे लंच का टाइम 1 बजे होता है, 12 बजे 1 बजे हम लंच करते हैं। तो अभी ये रामपुर से लंच करेंगे, फिर जाके थोड़ा रेस्ट करूँगा रूम में, क्योंकि संडे वाले दिन मैं नींद से ही पूरी करता हूँ, क्योंकि वैसे मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। लाइक मेरी बिजी लाइफ है उसमें नींद सही से पूरी नहीं होती, जस्ट काम काम काम। और दूसरा ये कि काफ़ी दोस्त वगैरह मुझे सेगमेंट में मैसेज वगैरह करते हैं कि मैं उनसे बात नहीं करता, उनको याद नहीं करता। तो उसका रीज़न ये है कि मैं काम में इतना ज़्यादा बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है कि किसी से बात करने के लिए या किसी को याद करने के लिए। तो ये लाइफ बहुत मज़े की एक तरह से। और मेरा खाना भी आ गया, मैंने ग्रिल ऑर्डर की थी वो आ गया, इसके लिए खाऊँगा। तो मैं कह रहा था कि ये लाइफ बहुत मज़े की है, मतलब बिज़ी लाइफ है, क्योंकि अब अगर फ्री होते हैं ना तो आपको समझ नहीं आता क्या कर रहे हो, फिर ऐसे बंदा ना बोर ही होता है यार। बिज़ी लाइफ सही है यार, अपना काम करो रामपुर से और इंजॉय करो लाइफ को, इंजॉय भी करो साथ साथ काम भी करो, दोनों चीज़ें साथ साथ करो फिर सही रहता है। भाई एक रोटी भी देना। काफ़ी मज़े की बनी है टेस्ट, बट मैंने रोटी भी नहीं दी, जस्ट मैंने ग्रिल को बोला था ग्रिल दी है। तो रोटी की तरफ खाओ तो उसका ज़्यादा मज़ा आता है। और बाकी यही है कि आप लोग भी सब अपनी लाइफ में खुश रहो, आबाद रहो, इन्जॉय करो लाइफ को, बहुत ज़बरदस्त बनी है।